मिर्थल के निवासी सुलक्खन सिंह और अवतार सिंह में पुरानी रंजिश के चलते झगड़ा हो गया, जिसमें अवतार सिंह व उसके बेटे मनदीप सिंह ने सुलक्खन सिंह पर हमला किया और सुलक्खन सिंह इसमें घायल हो गए और परिवार ने लगभग 22 दिन पहले हुए इस झगड़े की शिकायत पुलिस को की। लेकिन इससे पहले पुलिस उन्हें पकड़ते अवतार सिंह और उसका बेटा मनदीप सिंह फरार हो गए और पुलिस ने इस दिशा में कुछ नहीं किया। नतीजा ये रहा कि सुलक्खन सिंह ने यहाँ अपने लिए इंसाफ मांगा, वहीं पर हर समय अवतार सिंह की ओर से जान से मारने या फिर उन्हें नुकसान पहुंचाने का डर बना हुआ है। जिन्होंने ये गुहार लगाई है कि इस शिकायत पर पुलिस अपनी कार्रवाई करे और उन्हें इंसाफ दे। बात मैं अपने पति नाल बाहरों जा रही थी पहलां दिन पहली वाल नूं ते इह गोम दे पेरे सी अवतार सिंह तो उन्होंने घर दे उन्हां दे ते इन्हां ने खंघ आई ते खंघ विच थुक्या थोड़ा ते थुक्कण दे नाल ओह कहिंदे वी सानूं साडे वल वेख के थुक्या है ते कई फड़ा मैनूं अंदरों भोला फड़ाया मुंडे ने उस विच भोला मार दिता। कहिंदे जनानी कहिंदी भाई तीन टुकड़े कर दो इन्हां जानों ख़त्म कर दो। तो उस तो बाद मैं थाने पर चली गई, हॉस्पिटल गई, पहले हॉस्पिटल से इलाज करवाया ही। अगले दिन थाने में गए 30 तरीक, उत्ते एफ आई आर दर्ज करवाई, उन्हें कोई सुनवाई नहीं की साड़ी अज तक, एक महीना हो गया पूरा। तो हूँ मेरे पति बोलने चल तो भी नहीं बोल सकते, ज़्यादा कमजोर हो गया ज़्यादा जी। धमकियाँ देते हैं कि जो बाहर निकल गए तो अं मुंडे नहीं छड़ने, मुंडे वढ़ना है। उधर रात भी 9 बजे मुंडे वढ़ने पे ही, जवाई ही मुंडा ही, जवाई ने बचा दिता मुंडे ने ना लिखवाया, तो जवाई ने नहीं बचाया, जवाई तलवाड़े तो आया जट्टा तलवाड़े तो। हाँ जी बाहर घूमदियाँ जो सू जानी तो भी खतरा है, वो जानियाँ भी साढ़े भी सट पेट लग सकदियाँ ने। हाँ जी पुलिस सू कोई जवाब नहीं दे रही, कहती सूँ पता नहीं कितने, सू तुम दसो भी कि कितने ने पुलिस सू की पता, पुलिस वाले पता होगा कितने ने कितने नहीं, साढ़ा बोलचाल नहीं, सू पता नहीं भी कितने है कितने नहीं। इन्हें मारिया तो हम मुंडे ने मारिया एक बार, पहले प्यो मरे 4 साल बाद भी मारिया ही, तीन बारी हूँ मेरे पोतिया का खतरा। पुलिस वाले नहीं कहते कुछ भी, इन्हों फटते नहीं, धमकी धुमकी देंगे तो तुम मार देना। ये मुंडा यदा कहता है मुंडा मेरे मुंडे जाने नहीं, मैं सारे जने बाहर टुक कर दिया की कहना, क्या साडा फैसला हो गया भाई। मैं पिंड मीरथल का रहने वाला, तकरीबन 29 तरीक पिछली 29 तरीक आज तो एक महीना पहला साढ़े फादर साहब इदा गली चुं जा रहे थे, माता भी नाल ही, माता थोड़े पिछे रह गए, फादर साहब इदा गली चुं जा रहे थे, खंघ आई थोड़ा खंघ के थुकया, तो साडा शरीक जो है अवतार सिंह गुआढ़ी वह अपने मुंडे ने कहता भी देख साला साढ़े वाल देख के सुकन दिया है, तो मैंने फड़ा अंदरों भोला जरा। वो मुंडे ने उन्होंने भोला कढ़ के फड़ाया, अवतार सिंह ने मुंडे को खो के भोला सिर च मारता, जहाँ काफ़ी गंभीर सट लगी। उस तो बाद आपां होस्पिटल च लै गए इलाज वास्ते। 30 तरीक साडा थाने विच परचा रजिस्टर्ड होया, उस तो बाद तकरीबन 10-15 दिन असीं होस्पिटल रहे, सिर का ऑपरेशन होया जी। उस तो बाद 11 तरीक फाइनल रिपोर्ट डॉक्टर ने सबमिट करके सानू छुट्टी देने तो बाद थाने भेजी। 11 तरीक साडा फाइनल परचा रिपोर्ट दर्ज होया, जिस 326 धारा लगी हुई है। 11 तरीक तो लैके अज 30 तरीक तक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही, अपने दोषी सट मारन तो उस दिन तो लैके अज तक फरार है गया। ना पुलिस उन्होंने घर रेड कर रही है, सानू अज भी उन्होंने तो खतरा है, असं नेरे बाहर नहीं निकलते भी पता नहीं किड़े मौके आ गए सानू मारन पै जाण। तो असं प्रशासन तो यो मंग करते हैं भी साढ़े जल्द सुनवाई की जाए और दोषियों को जल्दी तो जल्दी फड़ के सलाखा पीछे दिता जाए। दूसरी तरफ DSP से पूछने पर उन्होंने अपना पक्ष कुछ ऐसे रखा। ये देखो जी FI नंबर 15/22 है, 30/4 हुई सी अपने हरभजन कौर के बयान से, और ये जो दो अक्यूज्ड है अवतार सिंह ते मनदीप सिंह, पहले इन्हों का 324 का रिजल्ट सीगा, 324 जणा दी जिहड़ी है लै लिया सीगियां बेलां। उस तो बाद जिहड़ा मैडिकल रिपोर्ट के आधार पर जिहड़ा 307 का जिहड़ा एडिशन किया गया सीगा। हुण ये बंदे जिहड़े दोनों पसकाउंडिंग है, असीं इन्हां दी जिहड़ी कॉल डिटेल्स वगैरह इन्हां दी जिहड़े मोबाइल हैगे आ उन्हां दी लोकेशन जिहड़ी लै के, तो फर्दर मैं साइबर वाले नूं भी इन्हां नाल अटैच कर लगा, तो हुण मैं खुद इन्हां सुपरवाइज़ करूँगा अंडर द डायरेक्शन ऑफ SSP साहब, तो असी जल्द तो जल्द जिहड़े मुजरम जिहड़ा अरेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। फास्टवे पठानकोट की हर खबर को सोशल मीडिया पर देखने के लिए आप फास्टवे न्यूज़ पठानकोट के YouTube चैनल, Facebook पेज को लाइक कीजिए, Twitter और Instagram पेज को फॉलो कीजिए और फास्टवे न्यूज़ पठानकोट YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।